में आप देसी गाय मिलेगा नहीं उसका कीजिए, और पुलिस वालों को ये बोल दीजिए कहीं पे भी गौचालन होता है इमीडिएट अरेस्ट करें, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम में लागू हो गएगा। गौचालन करने वाला या गौ तस्करी करने वाले को 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज, आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे उड़ीसा से आए हुए कुछ पशुओं को बचाने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने स्लोगन में लिखा, कृपया मेरे उड़ीसा के जानवरों को बचाने में मेरी मदद कीजिए। गुहार कर रहे हैं आप, किससे गुहार लगा रहे हैं? ये सरकार से। किस सरकार से? उड़ीसा सरकार से, केंद्र सरकार से? जी, उड़ीसा सरकार को 6 महीने से हम गुहार कर लिए। अच्छा। आज तक एक बार ना सभा में बुलाए, ना हम किस लिए बैठे हैं पूछे। जो बोलते हैं ना, घर का बच्चा जब नहीं खाता है रूठ जाता है, घर वाले पूछते हैं, और हम ऐसे नालायक हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रद्युम्न चौधरी। अच्छा। भुवनेश्वर उड़ीसा से। ये कब से काम कर रहे हैं आप? ये जानवरों को बचाने के लिए हम 3 साल से काम कर रहे हैं, बट धारणा में हम पिछले 6 महीने से हैं। आपने उड़ीसा सरकार से कभी गुहार लगाई इन जानवरों के लिए? वहाँ पे एक फोटो है, हम January 22 से उड़ीसा में बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बदले हमको गोचालान, गो तस्करी, गाँव स्मगलिंग, कुत्ता ABC के नाम पे फॉरवर्ड करना, और जो स्ट्रीट डॉग है उनको वैक्सीनेशन के साथ काउंटिंग करना। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब जो है, क्या नाम आपका, कभी मदद करने की कोशिश की उन्होंने? नवीन पटनायक जी, वो हम लोग एक स्लोगान किए हैं, मेरा सरकार सो गया, मेरा जानवर खो गया। अच्छा। तो मेरा सरकार सो गए हैं, 25 साल के मुख्यमंत्री हैं वो सो गए हैं, या किडनैप हैं, या कहाँ पे हैं, वो नवीन जी मिल नहीं रहे हैं। अच्छा। जो असेंबली में नहीं आता है उड़ीसा में, वो मेरा जानवर का क्या देखेगा, मेरा राज्य का क्या देखेगा। मैं राजनीति नहीं करता, मैं एक पशु प्रेमी हूँ, ना हमारा फैमिली है, हम दीक्षा वाले हैं, हमारा कोई चीज़ से लेन देन नहीं है, हमको एक चीज़ से लेन देन है, मेरा जानवर और मेरा पेड़ पौधे, वो बच जाए, हमको ना ये बिल से कोई मतलब है, ना हमको कोई टिकट से मतलब है, ना कोई राजनीति, ना BJP, BJD, कांग्रेस, किसी के फॉर में नहीं है, ना ही कोई हमको सपोर्ट। नवीन पटनायक जी को ढूंढते ढूंढते दिल्ली तो नहीं आ गए आप कहीं? जी, मोदी जी ने उनको छुपा रखा हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, छुपाने का बात नहीं है। बोलते ना, अगर घर के बड़ों से बात करो, अगर वो ना सुने ना, दादा बाप माँ से बात करो, अगर वो नहीं सुनते दादा दादी के पास जाओ, अगर वो नहीं सुनते पंचों के पास जाओ, पंच नहीं सुनता तो विधायक जी के पास जाओ। जैसे हम उड़ीसा से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से उड़ीसा, घूमते 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 अभी दिल्ली आ गए हैं, सुने हैं कि यहाँ पे भाजपा सरकार है, ये गोरक्षा बहुत अच्छा करते हैं, प्रकृति प्रेमी है, खुद एक बिना परिवार के जो सनातन धर्म को प्रचार करते हैं। हम तो कोई धर्म नहीं जानते, ना जाति जानते हैं, हम पशु पक्षी का धर्म जाति से तुलना नहीं करना चाहते, हम इतना चाहते हैं अपने लिए नहीं, मेरे राज्य और दूसरे राज्य का पशु सुरक्षा आइन लागू करें। ये प्रेम कहाँ से आपका जागा, ये पशु को और क्या नाम जीवित करना, इनको बचाना, इनकी संरक्षण करना? देखिए, नशा बहुत टाइप का होता है, आज कोकिन कोई लेता है, कोई दारू लेता है, कोई गांजा लेता है, कोई भांग भी लेता है। आदमी कब नशे में आता है? जब उसे कुछ नहीं होता है। हम ये नशे में इसलिए आ गए क्योंकि घर में आदमी रिटर्न जब जाता है, बीवी बच्चा देखता है, हमारा तो कोई है नहीं, हम कुत्ते गाँव के साथ रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, कुछ जमीन के कारण मेरे 2 कुत्तों को किडनैप कर दिया गया, तो वो बिना कुत्ते के जब मैं रहा तो मेरे को मालूम पड़ा कि जानवर कैसे होते हैं। जब उनका छवि, जब उनका शकल मेरे को याद आता था, मैं जानता था वो 6 महीना मेरे कैसे गुजारा हो, तो मैं उसी दिन से ठान लिया कि अभी अगर लाइफ में ना मेरा बीवी बच्चे है, ना कुछ है, ये दुनिया का जितना पशु पक्षी है वो सब मेरे हैं, उनका रक्षा मैं करूँगा। अच्छा, आपने इनको संरक्षण के लिए कोई जगह भी निर्धारित कर रखी उड़ीसा में? कोई सरकार ने आपको दे रखी, या अपनी दादा इलाही जमीन इनके उसमें दे रखा हो इनके, भाई मेरी इतने दायरे में गाय रहेंगी, इतने दायरे में कुत्तों को रखेंगे, इतने दायरे में और भी जानवर, जब जानवर प्रेमी हैं आप तो और बहुत सारे जानवर आप? देखिए, एक तो हम 20 साल से संसार छोड़े हुए आदमी हैं, हमारा तो फैमिली घर द्वार है नहीं, माँ बाप जो हैं भाई बहन वो अलग रहते हैं, हम 20 साल से घर छोड़े हुए आदमी, जो दे पैसा कमा के हम रखें
रखे थे वो उड़ीसा में सोनपुर जिले में एक तो डेढ़ एकड़ का जमीन है, वहाँ पे कुछ आम का पेड़ लगाएं, कुछ गाय जितना अपना हो सके वो रखे हैं। सरकार जब हम 6 महीने से क्यों बैठे हैं देखा नहीं है, वो हमको क्या देगा? और जिसका खुद का गौशाला नहीं है, जिसका 30 जिले में वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, जिसके पास ओटी नहीं है, कोई अगर जानवर का रीत का हेड हड्डी टूट जाता है ना, उसका ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट नहीं है, जो खुद कंगाल है वो मेरे को क्या देगा? और आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार? देखिए मैं मांगे मेरा, मैं अपने लिए शादी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को बारात के लिए पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। मैं इतना चाहता हूँ सरकार का बजट है एनिमल एक्ट के लिए, और बजट में ना पैसा खर्चा करे ना एक पैसा मैं सरकार का खर्चा करना चाहता हूँ। एक ही चीज़ चाहता हूँ कि पशु सुरक्षा, गाय और कुत्तों का सुरक्षा हो, गाय कटना बंद हो, गौचालन बंद हो, देसी गायों का जो संरक्षण अभी थोड़े साल में आप देसी गाय मिलेगा नहीं उसका कीजिए, और पुलिस वालों को ये बोल दीजिए कहीं पे भी गौचालन होता है इमीडिएट अरेस्ट करें, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम में लागू हो गया है। गौचालन करने वाला या गौ तस्करी करने वाले को 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए की जुर्माना है, वैसे हर राज्य में हो और मेरे उड़ीसा में पहले हो, क्योंकि मैं जगन्नाथ धाम से आया हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण का हृदय है। थैंक यू सर। और कोई खास बात? कुछ नहीं।